गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस एंड दीज क्लासेस ऑर्गेनाइज बाय RRB ग्रुप ऑफ स्कूल्स। एंड टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सेकेंड, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इन दिस चैप्टर टुडे वी विल गोइंग टू टेक दीज टॉपिक्स, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अ मैप और ए ग्लोब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसे कि आप जानते हो, देखे भी होगे कि पायलट जो कि होते हैं एरोप्लेन्स के और शिप के कैप्टन्स होते हैं, तो वो अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचते हैं। उनके पास कुछ इसका डेस्टिनेशन के लिए लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स का ही सहारा लेते हैं। वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं ईजिली। और उनके पास जो ये सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, वो पृथ्वी पर इस तरह के इंफॉर्मेशन भेजते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं ताकि हम लोग को जो भी प्लेस है उनके बारे में जानकारी हो कि कहाँ पे वो एक्चुअल प्लेस में हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि साइंटिस्ट के द्वारा वो की गई हैं, पहचानने के लिए यूज़ की जाती हैं कि कोई भी प्लेस को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहला लेटिट्यूड हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेटिट्यूड्स कुछ एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर ग्लोब और मैप में जाती हैं। जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हो, लेटिट्यूड्स हैं और वो हॉरिजॉन्टल हैं, ग्लोब पे गई हुई हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर, और ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे। मीन्स दैट कि ये लाइंस को हम कहीं से भी नापेंगे इनको तो ये इक्वल रहेंगे, इनकी डिस्टेंस आपस में इक्वल रहेंगे, तो वो लाइंस पैरेलल कहलाती हैं। तो लैटिट्यूड की लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। और इसमें सबसे बीच में जो लाइन है वो क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री पर, वो लैटिट्यूड की सबसे मेन लाइन होती है। और ये हमेशा अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों बराबर इक्वल पार्ट्स होते हैं। और इसके अलावा 0 डिग्री लेटिट्यूड के अलावा, 0 डिग्री जो लेटिट्यूड इक्वेटर है उसके अलावा भी बहुत सारी लाइंस होती हैं, लेटिट्यूड्स होती हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती हैं। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर वो 90 डिग्री मार्क होता है, वो 90 डिग्री नॉर्थ होती हैं और 90 डिग्री साउथ होती हैं। अब हम जो बाकी नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में जो पड़ने वाले लेटिट्यूड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। द आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ में है। लॉन्गिट्यूड नेक्स्ट टॉपिक है, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं और जो कि मैप या ग्लोब पर लॉन्गिट्यूडली रन करती हैं नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, मतलब कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं। लॉन्गिट्यूड इक्वल लेंथ की होती हैं, इनकी मतलब लेंथ बराबर होती है, एक ही बराबर समान ऊंचाई की होती है, मतलब समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, और ये लेकिन पैरेलल नहीं होती हैं, इनके बीच की दूरी, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी समान नहीं होती है लेकिन इनकी लंबाई सेम होती है। डिस्टेंस जो होते हैं वो पोल्स और क्या होती हैं, इंक्रीज करती हैं इक्वेटर की तरफ। जैसे कि डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड में लेस होती है, पोल की तरफ बढ़ती जाती है और इक्वेटर की तरफ बीच में बढ़ जाती है, सबसे बढ़ी हुई रहती है। और इनको मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं। और ये लाइंस क्या होती हैं, ग्रीनविच जो लंदन के पास में एक जगह है वहाँ से होकर के एक लाइन, मेन लाइन जो गुजरती है लॉन्गिट्यूड, उसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, वो 0 डिग्री पे मार्क की जाती है। और ये भी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और जो कि ईस्ट में पड़ने वाले हेमिस्फीयर में जितनी भी मेरिडियंस मार्क होंगी ईस्ट साइड की होंगी, इस डिग्री में नापी जाएंगी। और वेस्ट साइड में पड़ने वाले वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी लाइंस होंगी, मेरिडियंस होंगी, वो वेस्ट से नापी जाएंगे, वेस्ट डिग्री से नापी जाएंगे। अब हम प्लेस कैसे लोकेट करते हैं,
प्लेस अगर लोकेट करना होता है तो कैसे हम जानेंगे, या जैसे कैप्टन या शिप के जो कैप्टन्स होते हैं या उसके एरोप्लेन के पायलट्स होते हैं, वो कैसे प्लेस जानते हैं, कैसे प्लेस उनको पता चलता है? तो जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है ग्लोब पे मार्क रहती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जब हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, वर्टिकल लाइन जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेटवर्क बना रही हैं पूरे ग्लोब पर, नेटवर्क मतलब जाल बना रही हैं। तो इन जाल को, नेटवर्क को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ये ही ग्रिड प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करते हैं अर्थ पर। और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, ग्रिड बनाती हैं, जहाँ पर क्रॉस करती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं, यही कोऑर्डिनेशन ही अर्थ पर प्लेस को लोकेट करने में हेल्प में आती हैं। जैसे 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो पॉइंट जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे होंगे तो वही प्लेस ही लोकेशन होगी। इसीलिए जैसे ये न्यूयॉर्क पे मिलती हैं तो ये न्यूयॉर्क का प्लेस, लोकेटिंग प्लेस है 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे और 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर। तो ये न्यूयॉर्क सिटी है, ये कोऑर्डिनेशन, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? 40 डिग्री नॉर्थ एंड 74 डिग्री वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लोकेटिंग प्लेस के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो दिस इज़ द चैप्टर सेकेंड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।